चलो दो टक्के खाली कर दिया हमने, दो टक्के खाली कर चुके हैं हम, अब जा रहे हैं आगे पेट्रोल पंप पे, से म्यूट कर ले भाई। दो टक्के खाली कर चुके हैं, पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल की नीड है, अब हम यहाँ से जाएंगे पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पे टंकी फिर से फुल करा के टंकी खाली करने के लिए आगे चले जाएंगे। देर से प्यासी है ये, इसे लोग पहुंच गए हैं की मॉनेस्ट्री और टाइम हो गया है 2:15। यहाँ से थोड़ा सा चल के ऊपर जाना पड़ेगा, गाड़ी पीछे खड़ी कर दी है, यहाँ से थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा ऊपर मॉनेस्ट्री के लिए और अंदर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे पार्किंग लॉट है, एक छोटा सा पार्किंग लॉट है, यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। चक्षु आगे जा रहा है, ये रास्ता जाएगा कि मॉनेस्ट्री को, तो अभी आदत नहीं है चढ़ने की, तो और पहुँच के मिलते हैं कि मॉनेस्ट्री में एंट्री ले रहे हैं हम लोग। ये मॉनेस्ट्री का गेट है, क्या हुआ कितनी बर्फ देखेगा कालू। कालू कालू तू तो ही पीछे था, वहां पे था वो मैं। सिर्फ एक ये प्रेयर हॉल है, ये कम्युनिटी के लिए होता है, तो इस वजह से यहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हो। सामने दलाई लामा जी की फ़ोटो है और बाकी स्कॉलर्स की, इनकी बुद्धि स्कॉलर्स जो होते हैं उनकी भी तस्वीरें, ये सब यहाँ पर है। अभी फर्श काफ़ी ठंडा है, ये जो है हाँ नंगे पैर चल, यहाँ नंगे पैर चलते हैं तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पैर ठंडे हो रहे हैं। ये 11th पेंचन लामा, तो ये प्रेयर हॉल है। दर्शन हो गए, बढ़िया एकदम, थैंक यू बोल दिया हमें। और अब हम लोग चलते हैं गाड़ी की तरफ, अब हम जाएंगे यहाँ से
चिचम ब्रिज और चिचम विलेज देखेंगे और देखते हैं टाइम बचता है तो वापसी में गिव ऑन स्पीड भी देखनी है और एक तो जगह और रास्ते में पड़ी थी, हो सकता है वो भी देख लें। लांगजा में भी एक मॉनेस्ट्री है, लांगजा विलेज भी काफ़ी अच्छी है। तो देखते हैं, हमारे पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है, अगर टाइम हमारे पास में होता है तो हम रास्ते में जितनी भी जगह बचेंगी सबको कवर करते हुए जाएंगे। अभी क्योंकि हमें कल कालपा पहुँचना है और क्योंकि टाइम हो गया है 2:41 पे हो गए, यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा तो थोड़ा रास्ते पे गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरते हैं। अभी भी आते टाइम पे एक पत्थर गाड़ी के आगे से गया तो थोड़ा ज़्यादा आगे था तो काफ़ी बच गए, डिस्टेंस से बच गए। तो यहाँ पे पत्थर वगैरह का फिसलने का थोड़ा सा रिस्क रहता है, वो दिन में तो दिख जाते हैं रात को नहीं दिखते। तो इस वजह से कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी टाइम से पहुँच जाएँ, सारी जगह कवर हो जाए। तो अब मिलेंगे आपसे सीधा चिचम में। बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई, कहते हैं खुशियां बहुत छोटे समय के लिए आती है, ये वही छोटा समय था। बोरी खुशियां चली गई। चिचम तो आ गए थे हम थोड़े से ज़्यादा लकी है, ये ऊपर माउंटेन आईवेक्स है, पूरा हर्ड है माउंटेन आईवेक्स का, कुछ 10-12 माउंटेन आईवेक्स है यहाँ पर, तो काफ़ी रेयर है। तो हम लोगों को देखने मिले फुल ग्रोन माउंटेन आईवेक्स यहाँ पर, इस साइड ऊपर चला गया जो एल्फा था इनका शायद। तो ऐसा लोकल्स का कहना है कि अगर थोड़ी देर और रुकेंगे तो हो सकता है स्नो लेपर्ड भी दिख जाए क्योंकि इनके पीछे रहता है खाने के लिए। तो इतनी देर तो रुकेंगे नहीं वैसे हम क्योंकि रिस्क है। बाकी ये रहा चिचम हमारे बीच है, चिचम देख लो सारे। चिचम क्यों फेमस है चक्षु भाई? वर्ल्ड हाईएस्ट। पहुंच गए लांगजा विलेज और लांगजा मानस पे, फिर से स्टेयर्स चल के जाना पड़ेगा ऊपर, थोड़ी सी है वैसे तो। ऊपर सामने बुद्ध जी की मूर्ति दिखाई दे रही है और मानस में जाके ऊपर कोशिश करेंगे ड्रोन शॉट ले सके तो। हवा वैसे काफ़ी तेज़ चल रही है, पता नहीं ड्रोन उड़ पाएगा नहीं उड़ पाएगा, अगर उड़ेगा तो आपको ड्रोन शॉट दिखाएंगे। ये रहा रास्ता ऊपर मानस पे जाने का, ये रास्ता आगे। ये लांगजा विलेज, यहाँ पे होम स्टेज भी काफी सारे। दर्शन हो गए हमारे, 5:06 टाइम हो रहा है
ऊपर यहाँ पर बच्चे की मूर्ति है। हवा काफ़ी तेज़ थी, ड्रोन आने में काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन जैसे तैसे करके शॉट ले लिया। थोड़ा शेकी वेकी करा के क्योंकि काफ़ी मेरा ड्रोन छोटा है थोड़ा सा, तो मुश्किल होती है शॉट्स लेने में। बाकी आ गया जैसा भी है दिखाते हैं आपको। और ये भाई देख रहे हैं कि मैं फोन से क्यों बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे हिक्के, और अगर पोस्ट ऑफिस खुला होगा तो एक चिट्ठी भेजेंगे वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से, नहीं तो हिक्किम के बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। नाकू जा पाएंगे या फिर काजा रुकना पड़ेगा। मौसम क्योंकि ख़राब है काफ़ी, मतलब ख़राब हो रहा है अभी, तो हवा काफ़ी तेज़ चलने लगी है और ठंड भी पड़ गई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिलते हैं अभी हिक्किम में। लॉन्गजा से निकले ऊपर, कहाँ जा रहे हैं हिक्किम के लिए। इस सामने पहाड़ है, रंग बिरंगा पहाड़, वर्ल्ड का वंडर है, और कुछ नहीं। अच्छा लग रहा है काफी देखने में। और सामने शायद बर्फ पड़ रही है पहाड़ों पे, वहाँ भी मुझे लग रहा है यहाँ पे भी चादर की तरह होने वाला है, या तो बर्फ पड़ जाएगी हमारे निकलने के बाद बर्फ पड़ जाएगी। 36 का आंकड़ा हो रखा है हमारा और बर्फ का, बर्फ का भी पहाड़ों का भी, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, समझ ही नहीं आता जहाँ जाते हैं बर्फ पड़ती है। चलो मिलते हैं आगे। हम लोग पहुँच गए हैं हिक्किम, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, स्पीति वैली। ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है, पोस्ट ऑफिस के लिए नीचे थोड़ा सा उतर के जाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पहुँचे हुए तो काफ़ी देर होगी वैसे हमें, लेकिन हम क्या नाम है पोस्ट कार्ड राइट कर रहे थे उनके स्टैम्प्स वगैरह लगा के, ताकि उन्हें पोस्ट कर सके। मैंने एक पोस्ट कार्ड अपने आप को भी भेजा है। तो नीचे जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ पोस्ट कार्ड को पोस्ट करने के लिए। देखते हैं कितने दिन में पहुँचता है, वैसे काफ़ी रिमोट है तो हो सकता है एक महीना भी लग जाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक महीना बताया वैसे उन्होंने। तो देखते हैं आसपास में, तो 5 दिन में 10 दिन में 20 दिन में 1 महीना कब तक पहुंचेगा। तो फिर यहाँ से पोस्ट कार्ड पोस्ट करा के यहाँ से निकलेंगे हम काजा की तरफ। टारगेट तो वैसे नाको का है, लेकिन अगर बीच में उन्होंने फाटक बंद कर दिया तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो राइट में 50 मीटर, तो इसलिए देखते हैं अब रात का स्टे कहाँ पर होता है हमारा, काजा या नाको। तो मिलते हैं फिर, अभी पोस्ट कार्ड पोस्ट कर। पहुँच गए हम वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, इसे सब पता है, ये पहुँच गए हम वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। भारतीय डाक आपकी सेवा में। आया चच्चू, इसमें डालना होता है ना बस। लाइफ का पहला पोस्ट कार्ड पोस्ट कर रहा हूँ, वो भी वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से। जल्दी पहुंच जाएगा मुझसे पहले मुझसे पहले तो क्या ही पहुंचेगा। हाँ जी, पोस्ट कार्ड तो पोस्ट हो गया, अब यहाँ से चलते हैं। अंधेरा भी होने लगा है क्योंकि आ चक्षु फोटो खींच लेते हैं, अंधेरा हो रहा है, निकलते हैं फिर यहाँ से फोटोज खिंचा के। मिलते हैं आपको, पता नहीं कहाँ पे देखते हैं। ये रहा। कहाँ गया? ये रहा। वीडियो बन रही है।